नमस्कार, स्वागत आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। आज हम अकोदा के अंदर खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अकोदा के अंदर जो ये जो सामान जो धनौंदा गांव में दिया गया था और ये सामान यहां पर अब वापस लेके आए हैं। पुलिस प्रशासन वहां गई थी, टीम वहां पर पहुंची थी, तो ये सारा का सारा सामान जिस तरह से उस ऑडियो में उस सामान का जिक्र किया गया था, उस सामान को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हुई किस तरह का सामान इनको दिया गया। तो ये देखिए, ये जो चौकी है वो चौकी का भी इसमें जिक्र किया गया था और टेबल है उसका भी जिक्र किया गया था और ये जो बेड है ये देख सकते हैं, ये डबल बेड है इसका भी जिक्र किया गया था और ये सोफ़ा है, बढ़िया सोफ़ा है इन्होंने दिया अपनी तरफ से। आप देख सकते हैं सोफ़ा भी इसमें दिखाई देगा और काफ़ी चीज़ें हैं। ये अलमारी है, काफ़ी बड़ी अलमारी है और यहाँ पर AC जो दिया गया है वोल्टास कंपनी का AC है, रेफ्रिजरेटर है और वहाँ पर जो है सैमसंग कंपनी की जो है वॉशिंग मशीन और सारी जितनी भी सामान होते हैं सारे के सारे यहाँ पर उनको दिए गए। एक बड़ी LCD है वो भी देखिए 32 इंची के समथिंग LED जो है इनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन जो जिस तरह से सामान दिया गया और जिस तरह से उन्होंने नकारा इस सामान को, ये काफ़ी बड़ा एक चर्चा का विषय बना और जिससे कि समाज में जो दहेज के खिलाफ जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगने का आप देख सकते हैं। इसमें सामान की कोई कमी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें संस्कारों की कमी नज़र आई और आज हमें पता लगा है, जो सूत्रों के हवालों से हमें पता लगा कि उन तीनों जो उनका पिता है और उसकी माता और उसको जो कुछ लड़का है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो हम यहाँ अकोदा गांव में खड़े हैं और हम अकोदा में जो सामान आया हुआ है उनको हम आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है और जो हमारे साथ गाँव के लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, जो गाँव के लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये जितने भी गाँव के लोग हैं उनकी उपस्थिति में जो ये सामान यहाँ पर उतारा गया है। तो हमारे साथ जो है यहाँ के जो सरपंच हैं, सर क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह। सर बताइए, जैसे जिस तरह से स्टार्टिंग से आपने एक 13 गांव की महापंचायत की और उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि उसमें जो लड़का है वो दहेज मांगता है, उसकी एक ऑडियो भी वायरल हुई, सभी ने सुनी, तो उस पर जैसे FIR दर्ज करवाई थी आपने और उसके चलते अब वो मामला अब बता रहे हैं कि कोर्ट में चला गया है, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये सामान लेके आए हैं, तो सर ये क्या प्रक्रिया रही, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। सामान जो हमें दिया था शादी में, लगन पुजाया उस समय दिया था, वो सामान है जो भी आज वापसी आया है। तो ये हमारे भाई समाज के अलग हट के ये सामान सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से, एक पुलिस के माध्यम से आया है और तीनों को आज अरेस्ट कर लिया गया है। तीनों उसके लड़का, माँ और बाप तीनों आज मैंने खुद अपनी आंखों देखे हैं, आके उनको भाई वो पुलिस ले जा रही थी मेडिकल करवाने के लिए, तो वो तीनों के तीनों अरेस्ट हो गए। सामान सारा का सारा बिल्कुल बढ़िया सामान दिया गया था, वही सामान वापसी आया है। और बाकी की ही समाज की बातें, समाज में तो उन लोगों को तो इतना नकारा है कि जो कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई वो क्या कहने लायक हैं, जिन्होंने हमारी बेटी की भी बहुत बड़ी उड़ाई कि भाई उस समय कि भाई बेटी भगोड़ी हो गई इसलिए हम शादी नहीं कर रहे, वही बेटी आज उसको सजा दिलाने के लिए अड़ी हुई है कि मेरे को जिस लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, जिस लड़के ने कि भाई जिसके माँ बाप ने आके मेरे को वही लड़की भाग गई थी, तो वही लड़की आज उसको सजा दिला करके रहेगी। ये एक नेक बच्ची है जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया पूरे हरियाणा के अंदर, ना कि पूरे भारत के अंदर, ये मीडिया कर्मियों ने और जो हमारे सहकर्मी पत्रकारिता करते हैं इन लोगों के माध्यम से हर माँ बहन को जिस तरह की आज ये हमारे घर में दुविधा है, इस तरह की दुविधा मिटने के लिए बहुत बड़ा इस बेटी ने कदम उठाया था, जिसको मैं जिंदगी भर सलूट करूँगा। और मैं अपने देश प्रेमियों को भी ये कहता हूँ जो कि गाँव से, हरियाणा से जो खास जुड़े हैं, जिन बेटियों के बारे में बार बार
ये ऐसी घटना होती हैं, उन परिवारों को भी ये मैसेज जाए कि वो बेटियां बुलंद हों, अपने माँ बाप के कंधे से कंधे मिला करके ना जुड़ें, ताकि कि भविष्य में कोई ऐसा भेड़िया दोबारा दहेज के लिए मांग ना उठा सके और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके उनको। सरपंच साहब एक बात बताइए, जैसे पुलिस प्रशासन जिस टाइम उनको दोनों पक्षों को आपको बुलाया था और उसमें जो जो लड़का पक्ष है वो वहाँ नहीं पहुँचा था, तो उसके चलते भी जैसे काफ़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और आज वो तीनों बाप बेटे और उसकी माता वो सारे के सारे पुलिस की गिरफ्त में है, तो पुलिस का भी इसमें काफ़ी बड़ा सहयोग है, तो उसके लिए सर क्या कहेंगे? पुलिस का सबसे बड़ा सहयोग तो हम मानते हैं कि जब आकोदा चौकी से चल के थाना और फिर एएसपी साहब पहुंच गए हम महेंद्रगढ़, वहां तक के मैं सारे स्टाफ का तय दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन लोगों की वजह से तो यहां पहुंच गए कि भाई इनको सज़ा मिलेगी। और एएसपी साहब ने सिद्धार्थ जैन जी का तो मैं बार बार धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बहुत गहराई से और बहुत कठिनाई से इस केस को लिया था और दो दिन का हमें टाइम दिया था, उस दो दिन के टाइम के अंदर तीनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे जो प्रक्रिया कोर्ट की रहेगी उसमें हम सहभागिता दिखाएंगे, आगे भाई उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। और मैं पुलिस प्रशासन का, मीडिया कर्मियों का और भाई जो अपने जितने भी साथी थे हमारे उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और जितने भाई बहन हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन माँ बाप और सभी को मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसी घटनाएँ दोबारा नहीं हो, इन दहेज के लोभियों को सजा दिलाने में हर माँ बाप को सक्षम होना चाहिए। सर जैसे हम देखते हैं कहीं ना कहीं जैसे समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ा अहम योगदान जो है इस परिवार ने, इस बच्ची ने, और सबसे बड़ी बात है कि ये 13 गांव की महापंचायत, उन्होंने निर्णय लिया कि इस तरह के जो कदम है उसको कदम ना उठें, इसके लिए हम कोई बड़ा कड़ा कदम उठाएं जिसके चलते ये समाज में ये दहेज प्रथा की रोकथाम हो सके। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपके गांव की जो महापंचायत है और आप जैसे लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, तो सर उस महापंचायत के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह के ये निर्णय उस पंचायत में लिए गए? पंचायत सबसे पहले इस परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस परिवार जांगड़ा समाज था इनका, तो इस समाज ने सबसे पहले अपने भाईचारा से हट करके और ग्राम पंचायत को सौंपा, ये बात सामने लाए, ग्राम पंचायत ने अपने पड़ोसी गांव उसको बुला करके ना और बड़ी पंचायत का निर्णय लिया, और आज ऐसे ही समाज के अंदर अगर पंचायत सहयोग करती रही तो किसी के एक इस मामले में नहीं और अन्य मामलों में भी हमें पुलिस प्रशासन तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि हम यहीं भाईचारे में भी निपटा सकते हैं। और भाई एक निर्णय जैसे कि हरियाणा गांव के अंदर खेदड़ गांव है, हमारा ये परिकरण चलने के बाद में खेदड़ गांव वालों ने बड़ी एक प्रक्रिया दिखा रखी है, कोई तो वहां हलवाई मांग कर रहा है कि भाई दहेज रहित साथी करने वाले को मैं हलवाई फ्री काम करूँगा, किसी ने गाड़ियों की डिमांड की है, किसी ने टेंट की डिमांड की, तो मैं मेरे समाज को भी ये चाहता हूँ हमारे 13 गाँव जो इस चौकी के नीचे जुड़े हुए हैं इनने भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और मेरे विचार से ये बहुत बड़ी घटना थी जिसको आज सबक सीखना चाहिए हर आदमी को, दहेज के लोभियों को न शादी करें और न बेटे को ब्याहें तो दहेज लें, और बाद में जो भी कदम उठाएं वो सभी के सभी मिल करके ना उचित निर्णय लें। सरपंच साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे और जानकारी लूंगा, क्योंकि जैसे जिस टाइम जब रिश्ता हुआ था लड़की का, उस टाइम जैसे गोद भराई की रस्म होती है तो उसमें भी बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख के समथिंग इन्होंने खर्च किया था, तो सर उसमें ये जो सारी जो आपने रिकवरी की है उसमें वो चीज़ें भी इन्वॉल्व की गई हैं? नहीं जी, जो पहले रसम जो रोका रसम थी या गोद भराई रसम थी उसका हमें कोई चीज़ नहीं मिली, वो हमें कोर्ट के माध्यम से जो खाने में खर्चा हुआ है या अन्य वृष्टि जो खर्चे हैं वो हमें कोर्ट के अंदर लिस्ट बना करके ना पुलिस को दे रखी है, उनके बिल हम देंगे और बाकी की वो आगे चल करके जो उसको सजा दिला करके जो हमें वापसी जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से पता नहीं क्या जो मामला किस तरह सुलझेगा वो कोर्ट का है विचार देना अभी से। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ आकोदा गांव के जो सरपंच अभी हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि जिस तरह से वाकया हुआ, जिस तरह से दहेज की एक ऑडियो वायरल हुई और दहेज में स्टार्टिंग से ही इन्होंने जैसे वहां लगन लेके गए और लगन लेके जब बारात आनी थी तो वहां इन्होंने 11 बजे तक के समथिंग वेट किया लेकिन बारात समय पर नहीं पहुँची, तो इन्होंने एक बड़ा एक पुख्ता कदम उठाया और सारे समाज को साथ लेकर के वहाँ उनके खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज ये नतीजा आप देख सकते हैं, ये सामान तो वापस आ गया है लेकिन तीनों जो परिवार के सदस्य हैं वो उन्होंने पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया है। तो ये समाज में एक अच्छा संदेश है, इस तरह की लड़कियाँ और इस तरह का परिवार
ऐसे बढ़ चढ़ के आगे आए जिससे कि ये दहेज के लोभी हैं उन पर कुछ ना कुछ लगाम हम लगा सकें। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।